हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ विंटर गार्डन की एक छोटी सी वीडियो, जो कि बहुत ही अच्छी है। इन लोगों ने विंटर के अंदर यहाँ पे ये आउटसाइड बहुत ही अच्छा एक गार्डन टाइप बना के रखा है। सभी लोग इधर, हम लोग मार्केट के लिए आए थे, शॉपिंग के लिए, ऐसे ही ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, जैसे कि हर संडे सैटरडे वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे आउटसाइड भी बहुत ही अच्छा व्यू था और लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, डेकोरेशन की हुई थी। और वैसे भी अभी ईद आने वाला है, रमजान आने वाला है, तो बहुत ही अच्छा डेकोरेट करते हैं, बहुत ही अच्छा ऑफर्स वगैरह रहते हैं रमजान के अंदर। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है रमजान के अंदर, मतलब इंजॉय करते हैं हम लोग भी रमजान का। तो इसी तरह से हम लोग आउटसाइड आए तो यहाँ पे विंटर गार्डन बहुत ही अच्छा इन लोगों ने बना के रखा था, बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी पिक्स भी क्लिक की, बहुत सारी पिक्स क्लिक की, क्योंकि जो व्यू रहता है हम लोगों को रहता है कि व्यू मिलना चाहिए पिक्स के लिए। तो वो चीज़ हम लोगों ने पिक्स की, बच्चों की वीडियोस की। तो कुछ वीडियो और फोटोज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चों का एक फ्री में ये लगा हुआ है, बच्चों का भी प्लेवे बना हुआ है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है बच्चों का प्लेवे के लिए। सभी पेरेंट्स यहाँ पे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, पेरेंट्स भी साथ में थे, साइड पे भी बैठे थे बिकॉज सीटिंग एरिया भी बना। तो फ्रेंड्स, इधर इन लोगों ने लाइटिंग के साथ डेकोरेशन की हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। सीटिंग एरिया के अंदर भी इन्होंने लाइटिंग के साथ डेकोरेशन की हुई थी, बहुत ही अच्छा व्यू था। और साइड पे बच्चों के खेलने के लिए भी प्ले एरिया काफ़ी बड़ा बना हुआ था, इजली से सभी पेरेंट्स साइड पे बैठ के सीटिंग के ऊपर, जो सीटिंग बनी है उधर बैठ के अपना चाय कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने भी उधर जाके थोड़ा चाय कॉफ़ी इंजॉय किया। तो आराम से ये यहाँ पे फूड हट्स बनी हुई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये वाला जो अलजारा विंटर गार्डन, ये वाला जो व्यू था, यहाँ पे सभी लोग बैठ के सीटिंग करके यहाँ पर फ़ोटोज़ करा रहे थे बिकॉज व्यू बहुत अच्छा था इस साइड पे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक सिनेमा ओपन बना हुआ था, वहाँ पे लोग बैठ के मूवी देख सकते हैं ओपन वाला। तो इसी तरह से मैंने सभी व्यू जो रिकॉर्ड किया कि कोई बंदा मेरी वीडियो देख के यहाँ पे विज़िट कर सकता है। ये विंटर गार्डन है, आप लोग भी इधर विज़िट कर सकते हो बिकॉज बच्चों को लेके भी विज़िट कर सकते हो। बिकॉज जैसे कि पेरेंट्स को रहता है कि बच्चे अपना इंजॉय करें, हम सिटिंग कर लें, थोड़ा बैठ जाएँ बच्चों के साथ, इंजॉय बच्चे इंजॉय करते हैं तो खुद का भी इंजॉय रहता है। तो यहाँ पे इधर इन लोगों ने पूरा प्ले एरिया बना के रखा है, अलग अलग गेम्स लगाई हुई हैं, तो बहुत ही एक अच्छा प्राइस भी है इधर और अच्छा भी लग रहा है। और इसी तरह से पूरा जो व्यू है वो मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाया, ताकि जो मेरी वीडियो देख के कोई किसी ने उधर विज़िट करना हो तो आप उधर विज़िट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी प्लेस लगी, मुझे तो बहुत ही अच्छी प्लेस लगी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप लोगों ने अगर विज़िट किया है, और अगर विज़िट आफ्टर मेरी वीडियो देखने के अगर आप विज़िट कर लिया है, उसके बाद में आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो मायरा जैसे इधर फुल एंजॉय कर रही थी अपना स्लाइडिंग वाइडिंग लेके, बिकॉज यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह साइड पे लगे हैं, झूले लगे हैं, सब उधर स्लाइडिंग लगी है। तो मायरा जैसी तो फुल एंजॉय कर रही थी, और मैं और इसके पापा भी बहुत एंजॉय कर रहे थे बिकॉज बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम लोग अपनी फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, बच्चों की फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। तो मेरा कोई ब्लॉग बनाने का कोई भी आइडिया नहीं था, जस्ट मैंने ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग इधर विज़िट कर सकते हो। तो बस बच्चों के खेलने की वीडियो बनाई और जैसा भी व्यू था मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना और इधर विज़िट ज़रूर करना। ये मोस्टली विंटर गार्डन है और विंटर के टाइम पे ये लोग इधर पूरा डेकोरेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो फूड रहता है वो करते हैं। तो अभी बच्चों के खेलने के बाद में हम लोग चलेंगे आई थिंक फूड के लिए, तो देखते हैं वहाँ पे, इंजॉय करते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है, कैसा रहा। तो हम लोगों ने परचेज़ किया वहाँ से, तो जैसी को जैसे पसंद था, तो ऐसे डबल वाला ये समोसा है वैसे, बट इन्होंने इस तरह से ऊपर सॉसेस वगैरह लगा के दिए, बट जैसी को नहीं चाहिए ये। जैसी चली गई अपना चौको लेने के लिए, तो वहाँ पे जैसी चौको
देख के जैसे वो चोको और आइसक्रीम का इतना ये लोगों को है क्रेज़ के बस ये इन लोगों को दिख जाए और ये जल्दी से बस मेरे हाथ में दे दें, वो लोग जल्दी से कंट्रोल नहीं रहता है इसको। तो इसी तरह से मैं इनको जब चोको खिलाती हूँ ना घर पे, सॉरी आइसक्रीम खिलाती हूँ, तो आइसक्रीम में कर्ड को इन लोगों को आइसक्रीम बोल के देती हूँ कि ये आइसक्रीम है। तो बस जैसी को देखो इसके हाथ कैसे इंजॉय कर रही है ये। तो बस ये बच्चे इंजॉय कर रहे थे, अभी हमने फूड वगैरह दिया, अच्छा लगा। यहाँ पे चाय वगैरह ली हमने समोसों के साथ और थोड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था बच्चों के लिए भी, तो इन लोगों ने अपना इंजॉय किया, अच्छा लगा। मायरा वॉचिंग कर रही थी टीवी, तो अभी वहाँ पे हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया, तो अच्छा लगा। हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी इंजॉय किया, यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। तो बस ये डेकोरेशन थी वहाँ पे, तो पिज़्ज़ा हट वगैरह बना हुआ था सब, ये डेकोरेशन पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, व्यू अच्छा था। तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि किसने विंटर गार्डन को विज़िट किया। और इसी तरह से वहाँ यहाँ पे यूएई में शारजा में बहुत सारी प्लेसेस हैं जो आप विज़िट कर सकते हो और अच्छी हैं, जैसे कि आप ग्लोबल विलेज विज़िट कर सकते हो, ठीक है, प्रॉमिस ब्रिज है, यहाँ पे लव लेक है और काफ़ी सारी प्लेसेस हैं, बुर्ज खलीफा है, बहुत सारी प्लेसेस हैं जो आप विज़िट कर सकते हो और बहुत अच्छी भी हैं। और यहाँ पे सीटिंग भी बनी हुई थी इस तरह से बैठने के लिए, तो साइड पे एक ओपन सिनेमा टाइप भी था, उधर लोग बैठ के मूवी वगैरह अपने इंजॉय कर रहे थे, फैमिलीज बैठी थी चेयर्स के ऊपर इसके लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ये मूवीज़ इंजॉय कर रहे थे सब लोग। तो वहाँ पे सीटिंग भी बनी हुई थी, बच्चों के लिए भी मूवी थी यहाँ पे, ये अच्छे से सीटिंग भी है। तो मुझे टोटली इसका एक्चुअली मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज व्यू भी अच्छा है और बच्चे भी प्लेइंग कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। आप लास्ट व्यू देख सकते हो, आप लोगों को भी आई थिंक आप विज़िट करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।